पोल खोला के यंत्र अशोक चक्रधर। ठोकर खाकर हमने जैसे ही यंत्र को उठाया, मस्तक में शूशू की ध्वनि हुई कुछ घर घर आया। झटके से गर्दन घुमाई, पत्नी को देखा, अब यंत्र से पत्नी की आवाज आई। मैं तो भर पाई, सड़क पर चलने तक का तरीका नहीं आता, कोई भी मैनर या सलीका नहीं आता, बीबी साथ है यह तक भूल जाते हैं और भिकमंगे नदीदों की तरह चीजें उठाते हैं। इनसे तो वो पूना वाला इंजीनियर ही ठीक था, जीप में बिठा के मुझे शॉपिंग कराता, इस तरह राह चलते ठोकर तो ना खाता। हमने सोचा यंत्र खतरनाक है, और ये भी कि एक इत्तफाक है कि हमको मिला है और मिलते ही पूना वाला गुल खिला है। और भी देखते हैं क्या क्या गुल खिलते हैं, अब जरा यार दोस्तों से मिलते हैं। तो हमने एक दोस्त का दरवाजा खटखटाया, द्वार खोला, निकला, मुस्कुराया, दिमाग में होने लगी आहट, कुछ शूशू कुछ घर घर आहट, यंत्र से आवाज आई, अकेला ही आया है, अपनी 56 छुरी गुलवर्धन को नहीं लाया है। प्रकट में बोला, ओहो कमीज तो बड़ी फैंसी है, और सब ठीक है, मतलब भाभी जी कैसी है? हमने कहा भाभी जी या 56 छुरी गुलवर्धन? वो बोला, होश की दवा करो श्रीमन, क्या अंट शंट बकते हो, भाभी जी के लिए कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करते हो। हमने सोचा कैसा नट रहा है, अपनी सोची हुई बातों से ही हट रहा है। सो फैसला किया अब से बस सुन लिया करेंगे, कोई भी अच्छी या बुरी प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। लेकिन अनुभव हुए नए नए एक आदर्शवादी दोस्त के घर गए, स्वयं नहीं निकले, वे आई, हाथ जोड़कर मुस्कुराई, मस्तक में भयंकर पीड़ा थी, अभी अभी सोए हैं, यंत्र ने बताया। बिल्कुल नहीं सोए हैं, ना कहीं पीड़ा हो रही है, कुछ अनन्य मित्रों के साथ धूत क्रीड़ा हो रही है। अगले दिन कॉलेज में बीए फाइनल की क्लास में एक लड़की बैठी थी खिड़की के पास में, लग रहा था हमारा लेक्चर नहीं सुन रही है, अपने मन में कुछ और ही और गुन रही है। तो यंत्र को ऑन कर हमने जो देखा, खिंच गई हृदय पर हर्ष की रेखा। यंत्र से आवाज आई, सर जी यों तो बहुत अच्छे हैं, लंबे और होते तो कितने स्मार्ट होते। एक सहपाठी जो कॉपी पर उसका चित्र बना रहा था, मन ही मन उसके साथ पिकनिक मना रहा था। हमने सोचा फ्रायड ने सारी बातें ठीक ही कही हैं कि इंसान की खोपड़ी में सेक्स के अलावा कुछ नहीं है। कुछ नहीं, सही बात है। कुछ बातें तो इतनी घिनौनी हैं, कुछ बातें तो इतनी घिनौनी हैं जिन्हें बतलाने में भाषाएं बोनी हैं। कुछ बातें तो इतनी घिनौनी हैं जिन्हें बतलाने में भाषाएं बोनी हैं। एक बार होटल में बैरा 5 रुपए 20 पैसे वापस लाया, 5 का नोट हमने उठाया, 20 पैसे टिप में डाले, यंत्र से आवाज आई, चले आते हैं मनहूस कंजर कहीं के साल। 20 रुपए टिप में पूरे 8 आने भी नहीं डाले। हमने सोचा गनीमत है, कुछ महाविशेषण और नहीं निकाले। खैर साहब, इस यंत्र ने बड़े बड़े गुल खिलाए हैं, कभी जहर तो कभी अमृत के घूंट पिलाए हैं। वह जो लिपस्टिक और पाउडर में पुती हुई लड़की है, हमें मालूम है उसके घर में कितनी कड़की है, हमें मालूम है उसके घर में कितनी कड़की है। और वह जो पनवाड़ी है, यंत्र ने बता दिया कि हमारे पान में उसकी बीवी की झूठी सुपारी है। एक दिन कवि सम्मेलन पर यंत्र ने बता दिया कि हमारे पान में उसकी बीवी की झूठी सुपारी है। एक दिन कवि सम्मेलन मंच पर भी अपना यंत्र लाए थे, हमें सब पता था कौन कौन कवि क्या क्या करके आए थे। ऊपर से वाह दिल में करा, अगला हूट हो जाए पूरी चाह, दिमागों में आलोचनाओं का इजाफा था, कुछ के सिरों में सिर्फ संयोजक का लिफाफा था। खैर साहब, इस यंत्र से हर तरह का भ्रम गया, और मेरे काव्य पाठ के दौरान कई कवि मित्र एक साथ सोच रहे थे, अरे ये तो जम गया।